क्या होता है, आज हम लोग उस पर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या क्या होता है, जो कि बहुत ही कमेंट सारे आते हैं, बहुत लोग दिक्कतें होती हैं कि बीघा में क्या होता है, एक बीघे बराबर कितना बिस्सा होता है, एक बिस्सा बराबर कितना धूर होता है, एक कंचवासी बराबर कितना होता है, एक एकड़ बराबर कितना होता है, एक हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है। तो ये सारे बहुत समस्याएं सब रहते हैं कि ये लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो पैमाना होता है कैसे क्या किया जाता है। आज हम उस समस्या को आपको हल करने वाले हैं और हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा वीडियो, पूरा देखना आप लोग ताकि आप लोगों को समझ में आए। चलिए देखेंगे कुछ मैंने लिखा हो जो कि हमको कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं। अगर ये सब चीज़ें हमको याद रहेंगी, इसके माध्यम से हम लोग किसी को भी एकड़ को हेक्टेयर में, वर्ग मीटर को हेक्टेयर में, एक वर्ग मिली क्या होता है, डेसी मिली क्या होता है, और एक धूर क्या होता है, कंचवासी क्या होता है, कंचवामी क्या होता है, तो एक एकड़ क्या होता है, सब हम इसके माध्यम से सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए देखिए कुछ हमने बताया अभी अभी। देखिए एक बिस्वा बराबर, इसको बिस्सा को बिस्वा भी बोल सकते हैं, एक बिस्वा बराबर होता है 20 धूर होता है, और एक हेक्टेयर बराबर, अभी हमने बताया था, इससे पीछे भी हमने सवाल बताया था, एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है, और एक बीघे बराबर 25 से 30 वर्ग मीटर होता है। ये हम अपने यूपी को बता रहे हैं, अपने उत्तर प्रदेश को बता रहे हैं, अन्य स्टेट का अलग होगा। अगर हमारे यूपी में 25 से 30 वर्ग मीटर होता है, हम अपने यहाँ का बता रहे हैं, जिसका जहाँ पर स्टेट होगा उसके माध्यम से वहाँ अलग होगा वर्ग मीटर, तो वहाँ पर अलग लगेगा। तो अब यहाँ पर देखिए मेरे पास इतना होगा, एक बीघा बराबर 20 बिस्वा होता है, और एक एकड़ बराबर होता है, एक एकड़ बराबर होता है 40.48 वर्ग मीटर, एक डेसी मील बराबर होता है 40 वर्ग मीटर, और एक एयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर, और एक बिस्वा बराबर होता है 126.5 वर्ग मीटर, और एक धूर बराबर होता है 6.325 वर्ग मीटर होता है। और जो कि अब बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पास आने वाला है, एक हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है। जी हाँ, एक हेक्टेयर में कितना हेक्टेयर होता है, एक हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, होता है 2.47 एकड़। आता कहाँ से, अगर हम लोग देखिए एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है, एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है, 10,000 वर्ग मीटर, और एक एकड़ बराबर 40.48 वर्ग मीटर। अगर हम लोग 10,000 में 40.48 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 2.47 एकड़। हम लोग यहाँ से देखिए डिवाइड करके निकाल सकते हैं, एक हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है, और एक हेक्टेयर बराबर होता है 100 एयर, एक हेक्टेयर बराबर 100 एयर होता है, और देखिए एक हेक्टेयर बराबर 250 डेसीमील होता है, और एक हेक्टेयर बराबर 79 बिस्वा होता है, और एक हेक्टेयर बराबर 1581 धूर होता है, और 3.95 एक हेक्टेयर बराबर 3.95 बीघा होता है। तो अब हम लोग ये अन्य जो चीज़ें हैं, अगर हम लोग इसको फार्मूले को याद करेंगे तो हमारे माइंड में इससे हम लोग के दिमाग में तरह तरह के सवाल आते हैं। चलिए हम लोग एक इसी पे एक मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूँ, जो कि सॉल्व हो सकता है तो आप लोगों को बहुत ही समझ में आएगा। हमने एक क्वेश्चन लिया, दिया गया 0.3467 हेक्टेयर में कितना बीघा बिस्सा धूर या कंचवामी होगा। तो चलिए हम लोग फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं और इसके माध्यम से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना, अभी हमने पिछले भी इसमें एक सवाल बताया था कि इसको हम सबसे पहले तो 10,000 से एक हेक्टेयर बराबर हमको होता है, एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है, पहले इसको वर्ग मीटर में चेंज कर लीजिए, हमको कुछ भी निकालना हो पहले 10,000 से हमको मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो 0.3467 × 10,000, जब हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3,467 वर्ग मीटर, मतलब स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे बीघा में। जब बीघा में कन्वर्ट करेंगे तो आप लोग जानते थे 3,467 में हम लोग किससे डिवाइड करते थे, 2530 में, क्योंकि 2530 मेरे पास एक बीघा और 2530 वर्ग मीटर होता है। अब अगर हम लोग 2530 से 3,467 में डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2530 एक बार जाएगा वो 7 × 3 = 3, 4 × 14 = 5, 9 हो जाएगा मेरे पास, दशमलव लगाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2530 × 6 = 18 हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा कर रहे थे इसका, थोड़ा ज़्यादा होगा। हम लोग कितनी बार लेके चलते हैं, 1.3 एनीवर नियर अबाउट जो मेरे पास आ रहा है आंसर निकल के 0.85 लगा, 3 बार गए, अभी मेरे पास और ये जाएगा 17 करीब में जा रहा है, 15 6 बार लेके जाएंगे 15,180 आ रहा है, 26 बार आना, फिर एक बार जाएगा 2530 आ रहा है,
मेरे पास जो इसका वैल्यू निकल के आ रहा वो आ रहा है 1.361। जी हाँ 1.361 आ रहा है मेरे पास। ये कितना आ गया 1.361। अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास 10 लोग जिधर वाला होता है, जो 10 लोग पहला होता है कितना होता है, बीघा होता है। लेकिन मुझे बीघा किस में बदलना है, बीस में बदलना है। अभी हमने बताया था क्या करें, 0.61 गुड़े क्या करेंगे, गुड़े 20 करेंगे। जब 20 से गुड़ा करेंगे कितना देगा, 2 का 9 2, 2 6 2 8 1, 2 3 6 1 7 0। 10 लोग कितने अंक बार लगाएंगे, 3 अंक बार लगा, 1 2 3 अंक बाद आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इतना जब आ गया हमने किस में बदला, हमको बिस्सा में बदलने हैं, हमको किस में बदलना है बिस्सा। तो अगर हम लोग क्या करें, इस वाले को पॉइंट किधर वाला लेना है, तो लेंगे 0.20 गुड़े गुड़े 20 करेंगे, और 20 करने वाले क्या हो जाएगा, 22 2 44, और 2 0 और बढ़ा देंगे। 10 लोग 2 अंक 3 अंक में लगाई, 1 2 3, इतना आ गया मेरे पास। इतना कितना गया, इतना धूर आ गया। अब धूर बार मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मुझे कंचवामी में निकालना है। तो हमने बताया कंचवामी बराबर कितना होता है, एक धूर बराबर एक कंचवामी, जो कि धूर से भी छोटा। देखो बीघा से छोटा बिस्सा होता है, बीघा से छोटा बिस्सा होता है, बिस्सा से छोटा हमारे पास धूर होता है, धूर से भी छोटा मेरे पास एक जो इकाई होती है उसको कंचवामी बोला जाता है। वो कितना होता है, एक धूर बराबर होता है 20 कंचवामी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे 10 लोग किधर बार, मान लो 4 0 10 लोग 4 गुड़े 20 कितना आ जाएगा, 2 4 8 आ जाएगा, 3 0 लगा देंगे, 10 लोग 3 अंक बार लगाएंगे, 8 आ गया। इसका मतलब क्या निकल गया, कंचवामी। अगर हम लोग देखें तो जो मेरे पास अब निकल के आ गया, इसको लिख क्या सकते हैं, 1 बीघा जो हमारा कन्वर्ट हुआ है, 1 बीघा 1 बीघा 7 बिस्सा, 1 बीघा 7 बिस्सा। और उसके बाद हम लिख सकते हैं इसको 4 धूर 4 धूर, और मेरे पास अभी आया 8 कंचवामी। इतना मेरे पास निकल के आया है, 1 हेक्टेयर में कितना बीघा, कितना बिस्सा, कितना धूर, कितना कंचवामी होगा, जो कि बहुत ही अच्छा सूत्र। आप लोग इसके जगह पर कुछ भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे एकड़ निकाल सकते हैं, या वर्ग मीटर निकाल सकते हैं, एयर निकाल सकते हैं, बिस्वा निकाल सकते हैं, एकड़ में कितना हेक्टेयर हो, इसी के माध्यम से। लेकिन आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ी चीज़ है, जो जो भी निकालिएगा आपको 10 यार्ड से मल्टीप्लाई करके वर्ग मीटर हमको स्टार्टिंग में करना ही करना होगा। उसके बाद हमको क्या निकालना होगा, इसका जो निकालना होगा बदलने के बाद हमको 2530, मतलब इसको बीघा से कन्वर्ट करेंगे, वर्ग मीटर में 2530 से डिवाइड करना होगा। उसके बाद आप चाहे जो निकाल सकते हैं, एकड़ रखना होगा, एकड़ वाला फार्मूला लगाइएगा, जो भी निकालना होगा वहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। वीडियो को लाइक, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर।